हाथ में पत्नी का कटा सिर लेकर पैदल थाने पहुंचा पति। बोला, मैंने उसे मार डाला। जी हाँ, आरोपी कटा सिर लेकर खुद बबेरू थाने पहुंचा और बोला कि मैंने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। जी हाँ, आपको बता दें, उत्तर प्रदेश के बांदा में शुक्रवार सुबह एक पति ने अवैध संबंधों के शक में हैवानियत की सारी हदें पार कर दी। पति ने पहले तो फरसे से अपनी पत्नी की गर्दन काट दी, फिर कटे सिर को लेकर बाजार से होता हुआ 2 किलोमीटर दूर थाने जा पहुंचा। मामला बबेरू थाना क्षेत्र के ग्रामीण मोहल्ले नेता नगर का है। यहां रहने वाले किन्नर 35 नाम के व्यक्ति को अपनी पत्नी विमला 28 पर अवैध संबंधों का शक था, जिसकी आज सुबह लगभग 6 बजे उसने फरसे से गर्दन पर वार करके हत्या कर दी। घटना में एक व्यक्ति भी घायल हुआ है, जिसे महिला का प्रेमी बताया जा रहा है। अपर SP महेंद्र चौहान ने बताया कि आरोपी कटा सिर लेकर खुद बबेरू थाने पहुंचा और बोला कि मैंने अपनी पत्नी का सिर काट दिया है। इसके बाद पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर लिया। महिला का पोस्टमार्टम कराया जा रहा है और घायल प्रेमी को अस्पताल में भर्ती कराया गया है। बताया जा रहा है कि खून से लथपथ पीली टी शर्ट, काला लोअर और बाएं हाथ में कटा सिर पकड़े जब कातिल पति बबेरू कस्बे के बाजार से होते हुए थाने की ओर बढ़ा जा रहा था, तो राहगीरों में हड़कंप मच गया। लोगों ने इसका वीडियो भी बनाया। अपर SP ने बताया कि मामले में हत्या की FIR दर्ज की गई है। आरोपी पुलिस हिरासत में है। महिला के कटे सिर की उपशेष बाड़ी के साथ सील कर पोस्टमार्टम करवाया जाएगा और घायल प्रेमी का इलाज चला है। वही दूसरी ओर घटना के बारे में सुनकर इलाके को हड़कंप मच गया और मौके पर पुलिस बल तैनात है। ब्यूरो रिपोर्ट, राधेश्याम गुप्ता, सत्कल सिंह, बांदा, UP। जहाँ हम खड़े हैं, ये सामने उसका घर है। बिमला नाम है इस लड़की का, इसके पति का नाम है किन्नर। बगल का घर उसका है जो बंटा नाम का नाई है। बंटा नाम के नाई के ऊपर पहले भी कई लड़कियों को भगाने का आरोप है। हमको जो ये जानकारी मिली, अवैध संबंधों के चलते ये घटना घटी है। सुबह सुबह 6:30 बजे की घटना है। उसने किन्नर ने इसको बंटा को घर से बुलाया है। बंटा को घर से बुला करके बंटा के ऊपर वार किया है, तो महिला आकर के बचाने को उसको आई है, क्योंकि बिमला, और बिमला जब बचाने आई है तो फिर उसके ऊपर यहाँ गिरा करके वार किया। पहले वो अपने घर के भीतर भागी है, फिर घर के भीतर भी वार किया, तो वहाँ से भाग करके वो अपने बुआ के घर पर गई है। बुआ के घर में कमरे में घुस गई है, तो कमरे में भी उसके ऊपर वार किया है, और जब पूरी तौर से उसकी गर्दन नहीं कट पाई तो उस पूरी महिला को घसीट करके बाहर बरामदे में लाया है, और बरामदे में उसे फरसे से उसकी गर्दन काटी है। ये है पूरी। ठीक सर, आज बबेरू कस्बे में एक किन्नर यादव नाम के व्यक्ति अवैध संबंधों के शक में अपनी पत्नी का हत्या करके उसका कटा हुआ सर लेकर के सुबह करीब 8:30 बजे थाना बबेरू पहुंचा, और उससे पूछताछ पर जानकारी हुई कि उसका अपने बगल का पड़ोसी रविकांत नाम का एक व्यक्ति है, उससे उसके पत्नी के अवैध संबंध है, जिसके शक में उसने अपने पत्नी की हत्या की है, और उसने रविकांत पर भी खुरपी से पर वार किया है, और अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। इस संबंध में थाने पर जो है आवश्यक विधिक कार्रवाई की जा रही है।